हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर रेगुलेशन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिसेप्टर फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर ली है, डिफरेंट पाथवे हमने देखे, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमने डिस्कस किए और आज हम देख रहे हैं रिसेप्टर रेगुलेशन। अब रेगुलेशन किस तरीके से होता है किसी भी चीज़ का बॉडी में रेगुलेशन। अगर आपका हार्ट है, हार्ट को रेगुलेट करना मतलब ज़रूरत पड़ने में हार्ट रेट को बढ़ाना और ज़रूरत पड़ने पर हार्ट रेट को कम करना, यही होता है रेगुलेशन, है ना, बढ़ाना और घटाना। वैसे ही सेम अगर रिसेप्टर्स की हम बात करें तो कुछ बॉडी की सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमें रिसेप्टर्स को अपरेगुलेट करना होता है और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमें रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट करना होता है। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि अपरेगुलेशन क्या है और डाउन रेगुलेशन क्या है और वो बॉडी की कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेज है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें अपरेगुलेशन की जरूरत पड़ रही है और डाउन रेगुलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी हम बोलेंगे कि रिसेप्टर रेगुलेशन तो इसे हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अपरेगुलेशन, ठीक है, और सेकेंड क्या है आपका डाउन रेगुलेशन। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अपरेगुलेशन की, ठीक है। अब ये अपरेगुलेशन क्या है, सपोज ये हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल सेल है। हमें पता है कि रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ऑब्वियसली रिसेप्टर की दो ही लोकेशन है, इधर एक्स्ट्रा सेलुलरली और इंट्रा सेलुलरली। इंट्रा सेलुलर आपके स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन्हें नहीं कह रहे अभी, केवल मैं रिसेप्टर्स बना के दिखा रही हूँ एक कॉमन टाइप के जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है आपके। सपोज ये आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है, ठीक है। अभी इसमें दिख रहा है फोर इन नंबर है रिसेप्टर, ठीक है, ये केवल समझने के लिए है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में, क्योंकि अगर कोई भी लीगेंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है इस रिसेप्टर का, ऐसा मॉलिक्यूल जो इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये सेम टाइप के रिसेप्टर है, ठीक है। बाहर देखते हैं, ये है, ठीक है, ये लिगेंड है, तो होगा क्या, ऑब्वियसली ये लिगेंड आएंगे इन रिसेप्टर से बाइंड होंगे और आपका इंट्रासेलुलरली क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ई रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, इफेक्ट को, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये जो बाहर आपको ये लिगेंड दिख रहे हैं, ऑब्वियसली रिसेप्टर से जो मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये एंडोजेनस एक्सोजेनस दोनों हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके बॉडी का ही कंपोनेंट हो, जैसे आपके बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई मेडिसिन बाहर से ली हो, वो भी रिसेप्टर से ही बाइंड होगी, है ना, एक्सोजेनस लिगेंड जिसे बोलते हैं हम। तो मैं इसे एग्जाम्पल लेके कर रही हूं, ये आपका क्या है, डोपामीन है, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ये डोपामीन के मॉलिक्यूल हैं, तो जाएंगे, ठीक है, इफेक्ट दिखाया इन्होंने, लेकिन हुआ क्या, देखो ये बाहर डोपामीन क्या था, बहुत ही कम अमाउंट में था, इसे हम क्या बोलेंगे, डोपामीन जो है आपका बहुत कम है, रिलीज हुआ है, तो इसने चलो रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और इफेक्ट दिखाया, लेकिन हुआ क्या, देखो जो इफेक्ट आया वो क्या था, बहुत कम था। क्यों था इफेक्ट कम, क्योंकि डोपामीन भी क्या था, कम था। अब ऐसी सिचुएशन में जबकि जब भी आपकी बॉडी, आपकी सेल इस सिचुएशन को फेस करेगी, यानी कि उसे लगेगा कि लिगेंड बहुत कम अमाउंट में है, तो ऐसे केस में आपकी सेल क्या करती है, देखो इसके बाद की हम सिचुएशन दिखा रहे हैं कि होगा क्या, अपरेगुलेशन किसे कहते हैं, ये रहती हमारी सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो पहले कितने रिसेप्टर थे, अगर हमने काउंट किया था तो चार रिसेप्टर हमें दिख रहे थे टोटल सेल सरफेस में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ, जो आपकी सेल थी, सेल ने अपने सरफेस में जो रिसेप्टर का काउंट था वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स क्या किए, बढ़ा दिए। अब सेल भाई ऐसे कैसे कर सकती है, ये रिसेप्टर कहाँ से आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए का क्या काम होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन को फॉर्म करना, तो फटाफट से क्या होगा, सेल का जो डीएनए है ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि ये रिसेप्टर को बनाती है, फटाफट से प्रोटीन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन में जाएगी और ये रिसेप्टर फॉर्म हो जाएंगे। ऐसे तो बनते हैं बॉडी की हर चीज, चाहे आयन चैनल हो, चाहे रिसेप्टर हो, चाहे कोई एंजाइम हो,
डीएनए प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन ऐसे सेल मेम्ब्रेन में चली जाएगी और सेल मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर के फॉर्म में ये चीजें, ये प्रोटीन दिखाई देने लगेगी। समझ में आ गया? तो ये आपकी सेल ने किया, तो अब होगा क्या, जितने भी बचे हुए मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि चार रिसेप्टर से बाइंड होके मॉलिक्यूल जो इफेक्ट दिखा रहे थे वो बहुत क्या था, कम इफेक्ट था। अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनको मिल गई अपनी जगह, सब बाइंड हो जाएंगे। हो सकता है एक दो छूट भी जाएं, क्योंकि मैंने ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूं। तो अब जब बाइंडिंग हुई और जो रेस्पॉन्स आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा जो हमें रिक्वायर्ड था। क्योंकि कम इफेक्ट से देखो काम नहीं चलता। सेलुलर लेवल पे अगर हमें रेस्पॉन्स चाहिए तो एक हमारा, आपने देखा है ना जब हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल ग्राफ, उसमें हम क्या बोलते हैं कि आपका रेस्पॉन्स तभी आता है जब आपकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होती है किसकी, लिगेंड की। अदरवाइज कम रहेगा रेस्पॉन्स तो उसका कोई फायदा नहीं है बॉडी में। ठीक हो गया? तो ये जो प्रोसेस हुई इसको क्या बोलते हैं हम, अपरेगुलेशन। यानी कि आपको लग रहा था आपकी सेल में जो रिसेप्टर्स का नंबर था वो कम था, वैसे ठीक था, लेकिन बाहर से पता चल गया सेल को कि भाई लिगेंड भी बहुत कम है। अगर इतना हम वेट करेंगे ये रिसेप्टर इन लिगेंड से बाइंड होते रहेगा तो हो सकता है ये लिगेंड बाहर किसी एंजाइम के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाए। तो अब सेल क्या ट्राई करेगी, सेल ये ट्राई करेगी फटाफट से नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को बढ़ा दिया जाए ताकि जितना भी डोपामीन आ रहा है एक बारी में बाइंड हो और जो रेस्पॉन्स आए वो क्या आए आपका, अच्छा रेस्पॉन्स आए, प्रोफाउंड इफेक्ट आए। तो ये था आपका रिसेप्टर अपरेगुलेशन। ठीक है? अब इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, अगर मैं अपरेगुलेशन की बात करूं तो अपरेगुलेशन समझ में आ गया, क्या करना, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को बढ़ा देना, सेल के थ्रू ही हो रहा है ये फंक्शन। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लाइक आपने देखा होगा डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें आपके न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लगते हैं। हमें पता है जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है तो क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ न्यूरॉन्स, क्योंकि आपके क्या है उनमें सेल डिविजन तो होता नहीं है कि नए न्यूरॉन्स बनेंगे, तो न्यूरॉन्स का नंबर भी क्या होते रहता है, कम होते रहता है ना। अब क्या हुआ, न्यूरॉन का लेवल कम होता जा रहा है। जैसे हम स्पेसिफिकली एक डिजीज को ले लेते हैं, पार्किंसन डिजीज। ठीक है? पार्किंसन डिजीज में हम सभी को पता है कि इस डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होता है, डोपामीन का। यहाँ पे भी देखो हमने डोपामीन ही यूज किया है। तो जब भी क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को पार्किंसन होता है, हमें पता है उस केस में इंसान की ब्रेन में डोपामीन का लेवल कम है। ठीक है? और हमें यह भी पता है कि एज के साथ साथ न्यूरॉन्स वैसे भी डैमेज होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर किसी को पार्किंसन क्यों नहीं हो जाती है, क्योंकि ये सबको पता है एज बढ़ेगी तो न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो डोपामीन उन्हीं के अंदर है, चलो एक ही को हम ले रहे हैं, और भी न्यूरॉन है वैसे तो, और भी न्यूरोट्रांसमीटर है, मैं डोपामीन को ही ले रही हूँ। न्यूरॉन डैमेज हुए तो डोपामीन का लेवल कम होगा, डोपामीन का लेवल कम होगा तो हमें पता है पार्किंसन होता है डोपामीन के कम होने की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों को पार्किंसन हो रहा है और कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है? क्या हुआ, देखो नॉर्मल इंडिविजुअल्स का ये एग्जाम्पल है, डोपामीन का लेवल कम था क्योंकि न्यूरॉन डैमेज सबके हो रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, डोपामीन का लेवल कम हो रहा है। लेकिन हमारी जो न्यूरॉन सेल है, जो हमारी न्यूरॉन्स की सेल है, ये क्या हो जाती है आपकी, अपरेगुलेट कर देती है अपने जो रिसेप्टर है उनके नंबर को बढ़ा देती है ताकि जितना भी डोपामीन है इससे बाइंड हो सके और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। लेकिन जिन लोगों में ये अपरेगुलेशन नहीं हो रहा है, ये अपरेगुलेशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को क्या होगा आपका, पार्किंसन डिजीज होगी। ये समझ में आ रहा है ना? नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एज बढ़ती रह रही है, सबके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, तो पार्किंसन डिजीज भी सबको होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा फिनोमिना, जो रिसेप्टर अपरेगुलेशन का फिनोमिना है, ये नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इस वजह से नहीं आ रही है। अगर किसी भी एक इंसान में ये प्रोसेस नहीं हो पा रही है, अपरेगुलेशन नहीं हो रहा है, तब जाके वो पार्किंसन उसे हो सकता है। ठीक है? तो ये था ऑल अबाउट द रिसेप्टर अपरेगुलेशन। अब बात करते हैं डाउन रेगुलेशन की। डाउन रेगुलेशन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखते हैं, सपोज ये आपकी डाउन रेगुलेशन, मतलब डाउन यानी कि रिसेप्टर्स के नंबर को क्या करना, कम करना। ठीक है? तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये है हमारा रिसेप्टर, सॉरी सेल। ठीक है? आप देखिए सेल के सरफेस में ऑब्वियसली क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। इसके सरफेस में हम रिसेप्टर्स ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से,
ये रहे हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब कभी ऐसा हुआ है आपका कि बाहर जो आपका केमिकल है ठीक है वो आपका नॉर्मल लेवल में है, तो इसमें मैं जो केमिकल ले रही हूं या जो हम लीगेंड बना रहे हैं, एग्जाम्पल ये है सपोज एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्योंकि एग्जाम्पल मैं साथ साथ करवा के चल रही हूं आपको, और ये जो रिसेप्टर है ये कौन से रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है। आपको पता है ना एड्रेनलिन के दो रिसेप्टर होते हैं अल्फा एंड बीटा, ये बीटा टाइप रिसेप्टर है ठीक है, जो बेसिकली साइक्लिक एएमपी पाथवे फॉलो करते हैं, पढ़ा था पाथवे हमने ठीक है। अब यहां हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या पाथवे डिटेल में था। तो हुआ क्या देखो, अगर बॉडी में ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर लिगेंड कहेंगे नॉर्मल हम ठीक है, लिगेंड बहुत ज्यादा है ठीक है, बाहर लिगेंड बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, अगर मान लो ये एड्रेनलिन इतने सारे रिसेप्टर्स हैं सबको ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियसली बात है जितने रिसेप्टर से मिलेगा सबको ऑक्यूपाई करेगा, तो जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, और टॉक्सिक इफेक्ट आना बॉडी के लिए सही नहीं है, है ना, है या सही है, नहीं है ना। तो क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में जहां पे सेल्स को पता लग जाता है कि आपका जो लिगेंड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ है, और अगर ये पूरा का पूरा लिगेंड सारे रिसेप्टर जो अवेलेबल रिसेप्टर है उनसे बाइंड हो जाएगा, तो इफेक्ट नॉर्मल ना होके कैसा इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। ऐसे केस में आपकी सेल्स क्या करती है, रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देती है, सेल के जो रिसेप्टर हैं इनके नंबर्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। देखिए क्या होगा इसके बाद, डाउन रेगुलेशन के बाद क्या होगा, ये आपकी सेल है, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, क्या हुआ रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन। यहां देखिए कितने रिसेप्टर्स थे, जैसे ही पता चला कि एड्रेनलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ है तो फटाफट से क्या हुआ आपका, जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स थे वो कम हो गए, तो कम हुए तो ऑब्वियस सी बात है जब इनके साथ एड्रेनलिन बाइंड होगा तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना, जितना हमें चाहिए उतना होगा। अब बात ये आती है, ये तो हमें क्लियर था कि नए रिसेप्टर बनेंगे कैसे, अपरेगुलेशन के केस में डीएनए बनाएगा ठीक है, डीएनए आपका प्रोटीन बनाएगा जो कि सेल मेम्ब्रेन में चली जाएगी, और वही रिसेप्टर है, वही रिसेप्टर क्योंकि एक प्रोटीन ही है। अब बात आती है कि भाई डाउन रेगुलेशन जब हुआ, यानी कि नंबर ऑफ रिसेप्टर जब कम हुए, तो ये रिसेप्टर गए कहां, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये रिसेप्टर कहीं ना कहीं तो गए होंगे, इसमें से देखो इतने सारे रिसेप्टर में से केवल 4 रिसेप्टर यहां पे रिमेनिंग है, तो बाकी के रिसेप्टर्स का क्या हुआ ये अब हम देखेंगे डिटेल में ठीक है। चलिए डाउन रेगुलेशन, अब देखते हैं कि रिसेप्टर्स में ऐसा क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन से रिसेप्टर कैसे गए और कहां गए। ये है हमारी सेल ठीक है, अब पूरी सेल बनाते हैं क्योंकि अब हमें देखना है कि रिसेप्टर्स का क्या हो रहा है ठीक है। और मैंने कौन से रिसेप्टर का एग्जांपल लिया था, बीटा रिसेप्टर ठीक है, और बीटा रिसेप्टर हमें पता है, एक बार क्विकली देख लेते हैं, है ना, रिवाइज सारा किया हुआ है ना हमने कैसे होते हैं, तो ये देखिए रिसेप्टर में ड्रॉ कर रही हूं, आपको पता है बीटा रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें जो हेलिक्स होते हैं वो 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ये 7 टाइम क्रॉस किए हैं आप काउंट कर लीजिए। इसमें क्या रहता है आपका, आपको पता था कि इसमें एक कौन सा एंड होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एंड होता है, COOH प्रेजेंट होता है एक एंड पे, और एक एंड पे क्या होता है आपका, NH2 प्रेजेंट होता है, यही पढ़ा था ना। अब क्या होता है, मैंने क्या आपको बोला था कि जो आपका लिगेंड बाइंडिंग साइड होती है, यानी कि जहां पे आपका मॉलिक्यूल बाइंड होगा वो कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड, यानी कि साइड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जो कि सेल से बाहर है और जहां पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या होगा देखो, जो हमारा एड्रेनलिन है, मैं अब रेड पेंसिल से दिखा रही हूं, एड्रेनलिन आएगा, बाइंड हो गया अपनी बाइंडिंग साइट पे ठीक है, बाइंड हुआ,
इसके बाइंड होने के बाद क्या हुआ करता था, एक बार ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अंदर से किससे एसोसिएटेड होते हैं, जी प्रोटीन से, क्योंकि ये साइक्लिक एएमपी पाथवे फॉलो करता है। बीटा टू रिसेप्टर जो है साइक्लिक एएमपी पाथवे फॉलो करता है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन आपकी इन्वॉल्व होगी, जी एस प्रोटीन, है ना, जीएस प्रोटीन रहेगी। बट होता क्या है देखो, जब हम डाउन रेगुलेशन की बात करते हैं तो डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, जो ये कार्बोक्सी टर्मिनस आपको दिख रहा है ना, फटाफट से मान लीजिए ये क्यों होगा। सबसे पहली बात तो डाउन रेगुलेशन की जरूरत, कुछ ना कुछ सेल को सिग्नल तो मिलना चाहिए। पहला तो यही था, हमने बोला कि भाई अगर एड्रेनलिन बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे केस में रिसेप्टर डाउन रेगुलेट होंगे। रिसेप्टर्स कैसे होंगे, जब ज्यादा एड्रेनलिन होगा तो क्या होगा, मान लो ये एक एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ और इसने अपना इंट्रासेलुलर इफेक्ट दिखाया, इसके हटते ही दूसरा रिसेप्टर, दूसरा एड्रेनलिन आया, उसने रिस्पांस दिखाया। जब इस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की बार बार बाइंडिंग होगी, इस चीज को समझ रहे हैं, जब इस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की बार बार बाइंडिंग होगी या फिर लीगेंड बार बार बाइंड होगा, तो ये रिसेप्टर क्या हो जाता है आपका, तब जाके डाउन रेगुलेट होता है। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हो कि डाउन रेगुलेशन किस वजह से होता है, अगर मल्टीपल टाइम बाइंडिंग हो रही है, बीच में आपके रिसेप्टर को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा, बार बार मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एड्रेनलिन आ रहा है, बाइंड हो रहा है और इफेक्ट दिखा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेट हो जाएगा। किस तरीके से डाउन रेगुलेट होगा, देखो हमारे इंट्रासेलुलर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा अरेस्टिन प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब ये बार बार बाइंडिंग हो रही है तो हमारा इंट्रासेलुलरली हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बाक एंजाइम बोलते हैं, वो क्या करता है आपका COH टर्मिनल को फॉस्फोराइलेट कर देता है। काइनेज एंजाइम है ये, ठीक है, बीटा रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल काइनेज एंजाइम है, और काइनेज हमें पता है क्या करता है आपका, फॉस्फोराइलेशन करता है। तो सिंपली क्या होगा, अगर ऐसा लग रहा है रिसेप्टर को, सेल को लग रहा है कि बार बार मॉलिक्यूल लीगेंड आ रहे हैं और रिसेप्टर से बाइंड हुए जा रहे हैं, तो रिसेप्टर में क्या होगा आपका, कार्बोक्सी टर्मिनस पे जहां पे COH ग्रुप था वहां पे क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए। जैसे ही यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे तो सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम बीटा अरेस्टिन, क्या बोलते हैं, बीटा अरेस्टिन, ये आपकी एक प्रोटीन है, फटाफट से आएगी सेल के अंदर से और कहाँ बाइंड हो जाएगी आपकी, ये फॉस्फोराइलेटेड जो रिसेप्टर है इसके साथ बाइंड हो गई। समझ में आया, सबसे पहले क्या हुआ, बार बार अगर लिगेंड बाइंड होगा तो फटाफट से क्या होगा, इंट्रासेलुलर आपका बीटा रिसेप्टर के लिए काइनेज एंजाइम होता है स्पेसिफिक, वो आता है और कार्बोक्सी टर्मिनस को फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो अंदर सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं बीटा अरेस्टिन, वो आती है और इससे जाके बाइंड हो जाती है। अब जैसे ही बीटा अरेस्टिन इससे बाइंड होगी ना, तो क्या होगा कि ये जो जीएस प्रोटीन होती है, क्योंकि हमें पता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बिना जी प्रोटीन के कुछ भी नहीं है, है ना, अब क्या होगा, इसके बाइंड होते ही ये जीएस की जो बाइंडिंग होती है ना, हमें पता है यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है सपोज, ठीक है, तो जीएस अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड हो ही नहीं पाएगा। अब आप देखिए बीटा अरेस्टिन ने क्या कर दिया, जीएस को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक दिया। अब जीएस अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब अब ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो चुका है, इस पे आके बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड होए रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। समझ में आया, इसे बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अभी तो क्या हुआ, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हुआ, अब इसके बाद इस रिसेप्टर का क्या होगा, ये तो समझ में आ गया। अभी हमें रिसेप्टर का नंबर कम करवाना है, अभी ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है, नंबर कम नहीं हुआ लेकिन इसे रिसेप्टर को हमने डिसेंसिटाइज करवा दिया, और डिसेंसिटाइज कैसे किया, बीटा अरेस्टिन के हेल्प से, ठीक हो गया। अब होगा क्या, देखो अब इस रिसेप्टर को हमें मेम्ब्रेन से हटाना है। देखो कैसे हटेगा ये मेम्ब्रेन से, मैं यहाँ पे ये रिसेप्टर ड्रॉ कर रही हूँ, देखो मेम्ब्रेन में यहाँ जैसे ये एक रिसेप्टर है, यहाँ पे भी एक रिसेप्टर होगा क्योंकि सेल में तो बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, तो देखो क्या होने वाला है, मैं इसे इस तरीके से बना देती हूँ थोड़ी सी मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमें यहाँ पे एंडोसाइटोसिस करवानी है, ठीक है। ये रही आपकी ये मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मुड़ गई है ना, वेसिकल बनाने वाली है। यहां पे आपका क्या है, ये था आपका, है ना, ये फॉस्फोराइलेटेड एंड था, और यहीं पे आपकी क्या थी,
मैं प्रोटीन अब लिख नहीं रही हूँ, केवल रेड कलर से दिखा रही हूँ, समझ लीजिए कौन सी प्रोटीन है, बीटा अरेस्टीन। देखो क्या हुआ, डिसेंसिटाइज करना समझ में आ गया, डिसेंसिटाइज हो गए। अब देखते हैं डाउन रेगुलेट यानी कि नंबर को कैसे कम करें, रिसेप्टर को मेम्ब्रेन से कैसे हटाएं हम। तो क्या होता है, देखो जो हमारी मेम्ब्रेन है इसमें एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस सबको पता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है एक वेसिकल फॉर्म करने लग जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये वेसिकल ऐसे फ्यूज हो जाएगी, यहां से फ्यूज हो जाएगी और कैसे बन जाएगी, देखो अंदर इसे लेके आ जाते हैं, ये आपका क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगी मेम्ब्रेन, एक साथ फ्यूज हो जाएगी और ये आ गई वेसिकल आपकी सेल के अंदर, ये आई वेसिकल। और इसमें हम दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, ठीक, और यहीं पे आपकी क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये रहा आपका, और बाकी क्या होगा, ये मेम्ब्रेन पूरी फ्यूज हो जाएगी। इसे हम करते हैं, यहां पे हम दिखा देते हैं डैश बना के, ताकि ये पता चल जाए कि ये मेम्ब्रेन फ्यूज होने वाली है। एंडोसाइटोसिस सिंपल है, सबको पता है कि मेम्ब्रेन क्या करती है, वेसिकल बना लेती है और अंदर आ गई, ये अब अंदर आ चुकी है, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, जो ये मेम्ब्रेन वेसिकल बना के अंदर आती है, इसे हम बोलते हैं एंडोसोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोसोम। और एंडोसोम कुछ नहीं है, ये आपका जो वेसिकल बनी है इसी को बोलते हैं। और ये कौन सा एंडोसोम है, आपका अर्ली एंडोसोम है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे, अर्ली एंडोसोम। अब क्या होता है, देखो ये अर्ली एंडोसोम किस में कन्वर्ट होता है, लेट एंडोसोम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सेल के अंदर आपकी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेन है, और भी बहुत सारी आपकी वेसिकल्स होती हैं जो इस वेसिकल के साथ फ्यूज होती हैं और क्या बनाती है, लेट एंडोसोम बनाती है। तो इससे आगे क्या होगा, अर्ली एंडोसोम मैच्योर होगा, इसमें मैच्योरेशन होगा और ये क्या बना देगा आपका, थोड़ा सा इसे इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ, ये क्या बन गया आपका, लेट एंडोसोम बन गया। और इस तरीके से ठीक है, इसे यहाँ नहीं दिखाते हैं, इसे यहीं से हम कंक्लूड कर देते हैं, देखें कैसे करना है। ये क्या है हमारा, लेट एंडोसोम है, एल ई मैंने इसे लिख दिया, लेट एंडोसोम। तो लेट एंडोसोम क्या है, अर्ली एंडोसोम में जब आपका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, ये मैच्योर होता है, यानी कि सेल के अंदर बाकी और भी वेसिकल्स होती हैं जिनसे फ्यूज होता है, उसके बाद क्या बनता है आपका, लेट एंडोसोम बनता है। और ध्यान रखिएगा, जो अर्ली एंडोसोम है यहीं पे आपकी क्या होती है, रिसेप्टर की सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। यहां से क्या होगा, आपको पता है अभी इसके साथ, देखो मैंने यहां नहीं दिखाया है, इसे मेंशन कर लो, यहां पे क्या है, दोनों में लिगेंड भी तो दिखाओगे, लिगेंड भी तो अच्छे अंदर जाएगा ना, ये लिगेंड है। देखो होता क्या है, देखो अर्ली एंडोसोम में क्या होता है आपका, ये जो आपका लिगेंड है रिसेप्टर से अलग हो जाता है, ठीक है। लिगेंड रिसेप्टर से क्या हुआ आपका, अलग हो गया। लिगेंड तो कहाँ चला जाएगा, लेट एंडोसोम में ट्रांसफर हो जाएगा, और अर्ली एंडोसोम में आप क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। जब लिगेंड आपका हट गया है तो इसका मतलब ये रिसेप्टर अब फ्री हो चुका है, तो ये रिसेप्टर वापस आपका कुछ टाइम लेता है, जरूरी नहीं, ये मतलब डाउन रेगुलेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिसेप्टर पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है, रिसेप्टर की रीसाइक्लिंग जरूर होती है। ये रिसेप्टर जब लिगेंड से फ्री हो गया तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, मेम्ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम लेगा, है ना, कुछ टाइम लेगा ये ट्रांसफर होने में। तो तब तक आपका यानी कि डाउन रेगुलेट हो गया ना। हम ये तो नहीं चाहते कि भाई रिसेप्टर बस रहे ही ना, उसे मेम्ब्रेन से हटाया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद उसे वापस मेम्ब्रेन में भेजा, तो इससे क्या होगा, रिसेप्टर की रीसाइक्लिंग होगी। ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि रिसेप्टर की क्या हो गई, रीसाइक्लिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अर्ली एंडोसोम में जो लिगेंड था वो रिसेप्टर से हट गया, और लिगेंड कहाँ चला गया आपका, इट गोज टू लेट एंडोसोम, ठीक है, जो लेट एंडोसोम है उसमें चला गया। अब ये लिगेंड का क्या होगा, क्योंकि देखो हमें लिगेंड से कुछ नहीं करना, हम जानते हैं पहले से लिगेंड बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो सिंपल लिगेंड गया लेट एंडोसोम में, लेट एंडोसोम फिर किसके साथ फ्यूज होता है, लाइसोसोम, सबको पता है सेल के अंदर हमारा सुसाइडल बैक क्या है, लाइसोसोम। तो ये लेट, मैं इसे बाहर दिखा रही हूँ, ऑब्वियसली ये सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होगी, अगर इसे आप एक्सटेंड करना चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, यहीं से हम लोग इसे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये सेल के अंदर ही बन जाए, ये भी ये है, ठीक है। क्या हुआ, देखो जो हमारा लेट एंडोसोम है ये हमारे लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, लाइसोसोम
ये भी हमारी वेसिकली है, ये देखिए ये लाइसोजोम है, एल से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं इसे। लेट एंडोजोम लाइसोजोम के साथ फ्यूज होके आपका क्या बनाएगा, एंडो लाइसोजोम बनाएगा। लेट एंडोजोम का एंडो और लाइसोजोम, तो मैं इसे हाफ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये दोनों का मिक्सचर है, ये बना देखिए इसके बाद। ठीक है, जो आपका क्या था, लाइसोजोम और लेट एंडोजोम दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और क्या बन गया, एंडो लाइसोजोम। इसको लिख देते हैं ई एल। ठीक है, तो ये एंडो लाइसोजोम के अंदर क्या होते हैं, आपके बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर, इन दोनों के अंदर का पीएच क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो लीगेंड था वो यहां से हटके कहां आ गया था, लेट एंडोसोम में आ गया था। लेट एंडोसोम इसके साथ फ्यूज हुआ था, तो यानी कि ये आप किसके अंदर आ गया है, एंडो लाइसोसोम के अंदर। यहाँ पे आपके क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे जो इस लीगेंड को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो फाइनली आपका जो है, जो भी लीगेंड था उसका क्या हो गया, आपका डिग्रेडेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस लीगेंड के इफेक्ट को आने से रोका सेल के अंदर, क्योंकि हमें पता था कि भाई पहले से ही लीगेंड बहुत ज्यादा है और रिसेप्टर्स के नंबर को तो हमें कम कराना ही था। तो हमने ये टेम्पररी हुआ, ऐसा नहीं था कि रिसेप्टर को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। हमने सिंपल क्या किया, सेल मेम्ब्रेन से रिसेप्टर को लेके सेल के अंदर आ गए, कुछ टाइम के लिए अंदर आए, साथ में लीगेंड बाइंडेड था, लीगेंड को हटाया, लाइसोजोम एंडोजोम के थ्रू उसको डिग्रेड करा दिया। बाकी जो हमारी वेसिकल जो कि खाली रिसेप्टर को लेके थी, उसे हमने रिसाइकिल करके वापस कहाँ भेज दिया, मेम्ब्रेन में भेज दिया, ताकि जब ये लेवल, ऑब्वियस सी बात है ये तब तक का क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारा एड्रेनलिन आपका डिग्रेड हो चुका होगा, तो इसका लेवल नॉर्मल हो चुका है, तो अब रिसेप्टर को कम कराने की जरूरत तो है नहीं, तो ये रिसेप्टर रिसाइकिल होके वापस से मेम्ब्रेन में चले जाएंगे। तो ये पूरा है आपका रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, किस तरीके से आपकी बॉडी में रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन हुआ। ऑब्वियसली डाउन रेगुलेशन तभी जरूरत होती है जब आपके लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था आपका ऑफ रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, कि क्यों हम रिसेप्टर डाउन रेगुलेट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अब एक और चीज का ध्यान रखना, जो हमारा डाउन रेगुलेशन होता है, या फिर मैं सिंपली डिसेंसिटाइजेशन बोलूंगी, क्योंकि देखो डाउन रेगुलेशन में दो चीजें आई, डिसेंसिटाइज करना मतलब समझ में आ गया था, यानी कि रिसेप्टर का मेम्ब्रेन में होते हुए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। ये जो बीटा आरएसटीन यहां बाइंड हुई थी, इसने क्या किया था, ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में था लेकिन फिर भी इसका कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होने दिया था, तो ये था डिसेंसिटाइजेशन। और ये कंप्लीट पूरा जो प्रोसेस है, इसे डाउन रेगुलेशन हमने बोला, तो सेम आप बोल सकते हो इसे। तो जो आपका डिसेंसिटाइजेशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका, मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं, जो हमारा डिसेंसिटाइजेशन होता है आपका, इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज होमोलोगस और सेकेंड वन इज हेट्रोलोगस। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है होमोलोगस और हेट्रोलोगस में। ठीक है, देखिए अगर कभी भी डिसेंसिटाइजेशन उस रिसेप्टर का हो रहा है जिसका एगोनिस्ट था, ठीक है, ये एड्रेनलिन था, एड्रेनलिन का रिसेप्टर कौन सा था, बीटा रिसेप्टर। अगर एड्रेनलिन के ज्यादा होने की वजह से एड्रेनलिन का रिसेप्टर ही डिसेंसिटाइज हो रहा है, बाकी किसी रिसेप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसके रिसेप्टर में फर्क पड़ा, केवल उस लीगेंड के रिसेप्टर में फर्क पड़ा जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, ऐसे डिसेंसिटाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। क्लियर है, ये हो गया होमोलोगस, यानी कि जिसकी गलती है सजा भी उसी के रिसेप्टर को मिली। सेकेंड हेट्रोलोगस क्या होता है, जब आपके मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, रिसेप्टर्स भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही डिसेंसिटाइज हो रहे हैं किसी एक की गलती की वजह से, दो अलग अलग रिसेप्टर और जो कि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोलोगस। अब ये कौन से सिचुएशन में होगा, सपोज देखो दो मैं केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिख रही हूं यहाँ पे जो हमारी बॉडी में होते हैं, फर्स्ट इज एसिटाइल कोलीन और दूसरा है हमारा हिस्टामिन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है दोनों के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, एसिटाइल कोलीन अपने M3 रिसेप्टर पे काम करता है, हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर पे काम करता है, या H1 ही मैं मेंशन करती हूं यहाँ पे क्योंकि हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो H1 परफॉर्म करता है। दोनों केमिकल्स के रिसेप्टर अलग अलग हैं, ठीक है,
लेकिन इन दोनों के थ्रू जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना वो सेम है। वो इफेक्ट क्या है आपका? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये पढ़ा हुआ है हमने कि दोनों ही रिसेप्टर पे अगर इनके लिगेंड बाइंड होते हैं तो क्या होता है आपका? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे केस में होता क्या है, देखो अगर मान लो इन दोनों में से केवल एसिटाइल कोलीन का लेवल ज्यादा है, हिस्टामिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल लेवल पे है। तो एसिटाइल कोलीन का लेवल ज्यादा होने की वजह से अगर ये स्मूथ मसल की सेल है तो वहां पे क्या होगा, केवल M3 रिसेप्टर डाउन रेगुलेट नहीं होगा, H1 भी डाउन रेगुलेट हो जाएगा। इस चीज को समझ रहे? मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, रिसेप्टर अलग अलग हैं, कंसंट्रेशन केवल एक की ज्यादा हुई है लेकिन डाउन रेगुलेट दोनों रिसेप्टर हो रहे हैं। ठीक है, क्यों डाउन रेगुलेट हुए? क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। इस टाइप के डाउन रेगुलेशन को जब एक की गलती होने पर दोनों के रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो रहे हैं क्योंकि जो आपका फाइनली जो इफेक्ट है वो सेम है, ऐसे डाउन रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस डीसेंसिटाइजेशन। समझ में आ गया? ठीक, तो ये आपके क्या है, दो टाइप के डीसेंसिटाइजेशन है। अब एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपका, जैसे हम ओपॉइड विड्रॉल की बात करते हैं, है ना, जो मॉर्फीन है आपकी, तो ऐसे केस में हैबिचुएशन क्यों होता है वहां पे? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। देखें किस तरीके से होता है। सपोज देखो कोई भी एक इंडिविजुअल है जो मॉर्फिन लेना स्टार्ट किया या फिर जो एडिक्शन पे जा रहा है धीरे धीरे, है ना, कोई नशे की चीज ले रहा है, तो क्या होगा? देखो मॉर्फिन लिया, ठीक है, अब बॉडी में क्या होगा, एकदम से उसने ओवरडोज ले ली, स्टार्ट करते ही ओवरडोज ले ली। ओवरडोज लिया तो क्या हुआ, ओपॉइड या मॉर्फिन का लेवल बॉडी में बढ़ गया। तो जब भी आप, मैंने बताया है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा होता है तो सेल अपने रिसेप्टर्स को क्या कर देती है, डाउन रेगुलेट कर देती है। ठीक है, अब सेल के सरफेस में रिसेप्टर क्या हो गए, कम हो गए। समझ में आ रहा है इस बात को? किसी ने कोई भी आपका क्या लिया, ओपॉइड कैटेगरी की ड्रग ली, जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा एडिक्शन वाली होती है, नशे वाली है। ठीक है, तो जैसे ही किसी इंसान ने पहली बार में ही उसकी ओवरडोज ले ली तो बॉडी की सेल्स को क्या पता लगा कि भाई इसका लेवल ज्यादा है, टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है, तो फटाफट से रिसेप्टर क्या हो गए, डाउन रेगुलेट हो गए। यानी कि सेल ने अपने रिसेप्टर के नंबर को बढ़ा दिया वाया डाउन रेगुलेशन, घटा दिया सॉरी। ठीक है, रिसेप्टर कम हो गए, तो अब चलिए उसने ओपॉइड लिया था तो वो उतने ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा और जो इफेक्ट आएगा वो बहुत मिनिमम इफेक्ट आएगा, है ना, टॉक्सिक तो आएगा नहीं क्योंकि सेल ने अपनी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे केस में इंसान को क्या लगेगा, उसे लगेगा कि मैंने जो डोज लिया है वो मैंने बहुत कम ली है इसीलिए तो मुझे इतना असर नहीं हुआ। उसे ये समझ में नहीं आएगा कि भाई तुम्हारी सेल ने क्या किया है, अपने रिसेप्टर्स को कम कर लिया है। आप चाहे बाहर से आपने ओवरडोज दी थी लेकिन सेल ने बचाने के लिए क्या किया, रिसेप्टर के नंबर को कम कर लिया, तो अब इफेक्ट क्या होगा, सेल का नंबर हो गया कम, जो आपके रिसेप्टर्स थे उसके नंबर हो गए कम, ओपॉइड आया, जो भी आपने लिया था, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, कुछ भी था, बाइंड हुआ और रेस्पॉन्स भी क्या आएगा, कम। ठीक है, तो ऐसे केस में वो जो इंसान है वो क्या करेगा, आपका अपनी डोज को बढ़ाएगा, उसे लगेगा कि भाई डोज इनफ है नहीं, तो उसने अपनी डोज को बढ़ाया। तो इसी वजह से जो लोग नशा करते हैं उनमें डोज को बढ़ाने की हैबिट आ जाती है या फिर नीड आती है, एक अंदर से आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल जरूरत सी लगती है कि भाई डोज को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, समझ में आया? नहीं तो कभी भी डोज बढ़ाने वाली आदत होती नहीं, पहले थोड़ा लिया, बढ़ाते बढ़ाते आप क्या कर रहे हो, डोज बढ़ा रहे हो। वहां आपको ये नहीं पता है कि आपकी सेल आपको बचा रही है, रिसेप्टर्स के नंबर को कम करा के रेस्पॉन्स को कम करवा रही है, तो ये आपका क्या है, ये इसी को बोलते हैं हम टॉलरेंस। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ओपॉइड ज्यादा लेवल पे ले लिया, जिसने कोकेन लेता है तो ज्यादा लेवल पे ले लिया लेकिन आपकी सेल ने रेस्पॉन्स को नहीं प्रोड्यूस होने दिया, ये होती है टॉलरेंस। डोज बढ़ाओ तब भी टॉलरेंस ही रहेगी, यानी कि रेस्पॉन्स नहीं बढ़ने वाला क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है। आप कितनी भी खाते रहो रिसेप्टर्स तो उतने ही है, सेल ने अपना काम पहले से कर दिया है, तो लेवल जो रेस्पॉन्स का होगा, जो इफेक्ट होगा, वो क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन का, जब हम बात करते हैं किसकी, जितना भी आपके एडिक्शन वाली ड्रग्स होती है उनके केस में। ठीक है, किस तरीके से, अब क्या होगा, देखो इसके साथ एक दिक्कत भी आती है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक है, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई रिसेप्टर डाउन रेगुलेट होते हैं ताकि इफेक्ट आपका कम से कम आए, यही कारण है कि वो डोज को बढ़ा रहा है इंसान। लेकिन एक और केस आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान जो नशा करता है और एक बार अब्रप्टली उसे स्टॉप कर दे, सडन, अगर मान लो
उसने सीधे आपका क्या कर दिया, कम कर दिया, ओपॉइड लेना कम कर दिया, कोकीन लेना कम कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो आपकी बॉडी में नेचुरल ओपॉइड्स भी होते हैं जो आपका नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी में पेन को, जैसे हल्का फुल्का कभी बॉडी में इतनी सारे जो प्रोसेस चलती है, अगर हल्का सा पेन हो रहा है, पेन को रिलीफ करने के लिए भी केमिकल आपकी बॉडी में होता है जो इसी कैटेगरी का है, ठीक है, मॉर्फिन वाली कैटेगरी का ही है। तो मतलब आर्टिफिशियल आप बाहर से ले रहे थे लेकिन आपकी बॉडी में भी ओपॉइड्स होते हैं। अब होगा क्या, देखो वो आपने जो गलती की थी, जो आपने जो भी आपका क्या था, जो अब्यूज की ड्रग आपने ली थी, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स के बाहर सपोज ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल के बाहर जो रिसेप्टर्स थे, सपोज इसके बाहर चार रिसेप्टर थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके सेल ने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को घटा लिया ताकि जो आपका ये आपका क्या था, ओपॉइड था, जैसे कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये जो था, अब क्या होगा, इसको कम रिसेप्टर मिले बाहर तक, चाहे कितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से, ये तो बस रिसेप्टर से जो बाइंड होता है वो इफेक्ट दिखाता है, तो फाइनली आपका क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, ये हमें पता है, और इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा, तो ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आया। लेकिन होता क्या है, अब मान लो ऐसे किसी इंसान ने सडनली क्या किया, आपने ये ड्रग्स लेनी छोड़ दी, ठीक है, ओपॉइड मॉर्फिन लेता था, उसने छोड़ दिया लेना, तो अब होगा क्या, देखो इनके अलावा ये जो हमारे हैं, इनके अलावा हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल ओपॉइड्स भी होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ नेचुरल भी होते हैं, तो हम यहाँ पे उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारे नेचुरल, ठीक है, कुछ है, ज्यादा नहीं है, अमाउंट आपका कम रहेगा, ये हमारे नेचुरल थे, ये भी इससे बाइंड होके अपना इफेक्ट दिखाते थे जो हमारे लिए जरूरी है, स्ट्रेस होता है बॉडी में, आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये यूज होते हैं ओपॉइड्स, जो नेचुरल ओपॉइड्स होते हैं, एनकैफेलिन जिन्हें बोलते हैं, एंडोर्फिन और एनकैफेलिन जो है नेचुरल ओपॉइड है आपकी बॉडी के अंदर के। तो हुआ क्या, जो इंसान मॉर्फिन लिया करता था या कोकेन लिया करता था, उसने सडनली इसे लेना छोड़ दिया, लेकिन जब वो लिया करता था उसकी वजह से हुआ क्या था, रिसेप्टर्स के नंबर कम हो गए थे, ठीक है, अब होगा क्या, चलो ठीक है, ये अब नहीं है यहाँ पे, इंसान की एकदम आपने ये छुड़वा दी, तो अब होगा क्या, देखो ये जो नेचुरल है, नेचुरल के पास भी तो दो ही रिसेप्टर रह गए बाइंड होने के लिए, है ना, आपके आपने गलती ये की थी कि आपने क्या किया, कोई एडिक्टिव ड्रग ली थी, उसकी वजह से क्या था, रिसेप्टर कम हो गए थे, वो होना आपका नेचुरल था, होना चाहिए था, लेकिन अब आपने क्या किया, एकदम से इंसान की क्या करी आपने, वो जो भी वो ड्रग ऑफ एब्यूज थी आपने छुड़वा दी, तो उससे क्या हुआ, अभी रिसेप्टर रिकवर नहीं हुए हैं, रिसेप्टर अभी देखो दो ही है, तो जो हमारा नेचुरल ओपॉइड है इसको बाइंड होने के लिए रिसेप्टर नहीं मिल पाएंगे, केवल दो ही रिसेप्टर मिल रहे हैं, तो यानी कि जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा बॉडी में, जो इफेक्ट होगा उसका क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, इसीलिए बॉडी में अनइजीनेस आती है, इंसान को अच्छा सा फील नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम विड्रॉल, ठीक है, इसी को विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी ऐसी कोई मेडिसिन होती है इनको एकदम से नहीं छुड़वाना चाहिए, इवन आपकी ये तो आपकी ड्रग ऑफ एब्यूज है, बहुत सारी मेडिसिन भी होती है जैसे प्रोपेनोलॉल है, बीटा ब्लॉकर, उन्हें भी एकदम हम नहीं छुड़वाते हैं, कारण बहुत सिंपल सा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, पहले से आपकी किसी चीज की ओवर एक्टिविटी थी, पहले आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में वो चीज अवेलेबल थी, एकदम से आपने रोक दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी रिसेप्टर कम है, क्यों कैसे किया सेल ने, मैं पूरा समझा चुकी हूँ, तो ये कम रिसेप्टर्स की वजह से जो नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट आपका कंपोनेंट है वो भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब नेचुरल ओपॉइड अपना असर नहीं दिखा पाते हैं तो बॉडी को अच्छा नहीं लगता है, आपको अजीब सी फीलिंग आती है, आपके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें आपका वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, आपको पेन होने लग सकता है जॉइंट्स में, ये सारे आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो ये आपका क्या है, विड्रॉल, ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डाउन रेगुलेशन का क्या रोल है इन ड्रग ऑफ एब्यूज, ठीक है, जब भी कोई ड्रग एब्यूज की जो कि एडिक्शन कॉज करती है, ऐसी ड्रग ली जाती है, तो उस केस में आपके रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में जो रेस्पॉन्स आए वो मिनिमल आए, और यही एक कारण है कि जो दूसरा इंसान है अपनी डोज को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे तो लग रहा है भाई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, बट एग्जैक्टली आपकी सेल ने ये काम किया है, ठीक है, तो ये क्या था हमारा अबाउट द रिसेप्टर रेगुलेशन, किस तरीके से हम रिसेप्टर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन जहां पे अप रेगुलेशन की जरूरत है, कुछ सिचुएशन जहां पे डाउन रेगुलेशन की जरूरत है, तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।